दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खजूर वाला दूध पीने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। अगर इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग भी किया जाए तो ये दोनों हमें तब भी फायदा देते हैं, लेकिन अगर इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाए तो इनसे होने वाले फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। खजूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भरपूर मिकदार में पाया जाता है। खजूर एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है। खजूर का दूध सुबह के वक्त पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। वैसे आप इसका इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त पीना ज्यादा फायदा देता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपने खजूर वाला दूध कैसे बनाना है। खजूर को दूध में डालकर अच्छी तरह उबाल लेना है। 5 मिनट के बाद इसे चूल्हे से उतार कर रख दें। जब दूध नीम गर्म रह जाए तो खजूरें खाकर ऊपर से दूध पी लें। खजूर ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसे सुबह के वक्त खाना बेहद फायदेमंद होता है। अब जानते हैं खजूर वाला दूध पीने से होने वाले फायदों के बारे में। खजूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मिकदार ज्यादा होती है। ये बॉडी को फौरी एनर्जी देती है। इससे निजाम हाजमा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, जो निजाम हाजमा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खजूर का दूध पीने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो तो आप दूध और खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है जो जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाता है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, आपका खून कम बन रहा है, आयरन की कमी है, तो आप दूध और खजूर का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बहुत ही जल्द खून की कमी पूरी हो जाती है। अगर आप खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो दूध में खजूर मिलाकर पीने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा और आपकी जिल्द निखरती चली जाएगी। इसका इस्तेमाल दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन B6 होता है, जो दिमाग को तेज करने में मदद देता है। इससे याददाश्त भी तेज हो जाती है। ये दांतों को मजबूत करता है। इसमें फास्फोरस होता है, जो दांतों को मजबूत बनाता है, और ये मसूड़ों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अपनी राय भी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया।